विष्णु अपने सहयोग रमन अरमान मलिक के साथ अभी हम लोग महादेवा रोड के महादेव भक्त और आयरन देवी के भक्त से रूबरू कराएंगे, जो कि अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं और व्यक्ति विशेष की चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व विकास भी करते हैं। तो सर के बारे में जितना बोले उतना कम है। ये दुकान के सफर से इन्होंने मनोज तिवारी, चिराग पासवान जी, पप्पू जी सबसे मिले हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक घर का बंदा आगे तक जा रहा है, तो हम लोग काफी सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद सर, स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि इंसान चाहे तो जमीन से उठ के आसमान छू सकता है और नियत अच्छा रहेगा, बुलंद रहेगा, आराम अच्छा रहेगा और हौसला रहेगा तो आसमान का बुलंद छू सकता है। तो ये छोटे दुकान में हम देख रहे हैं कि आप गैस वाला भी काम कर रहे हैं और भी कुछ चीजें कर रहे हैं, कैसे? बस माँ का कृपा है, अपना कर्म है, हमारा आसमान छूने का सोच है। 365 दिन 11 में भी जाते हैं, माँ जो प्रेरणा देती है वैसे हम काम करते हैं और अभी और आगे का बहुत बड़ा सोच है, अभी आसमान छूने का सोच है। और यही कहेंगे कि कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, अगर वो कर्म बड़ा है उसका तो वो बड़ा आदमी बन सकता है। बाकी आगे माँ का इच्छा। कल दीपावली है तो हमारे तरफ से आपको दीपावली की शुभकामना, पूरे देशवासियों को शुभकामना और आपको भी। हमारे तरफ से भी आपके निज को, आपके निज के पूरा परिवार को और समस्त पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को माता आनंद देवी की तरफ से शुभकामना रहेगा और आने वाला दिवाली में भी शुभकामना रहेगा। और यही हम कहना चाहेंगे कि आपका निज आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़िए और हर जाने माने हस्ती हो चाहे छोटा से छोटा इंसान हो जिसको आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, उसके अभी आप इंटरव्यू लेते रहिए। सर एक चीज और जानना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि आप युवा हैं, हमारे आने वाले युवा जो नशा के लत से परेशान है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश ये देना चाहेंगे कि पहले वो अपने माता पिता पर ध्यान दें, पहले अपना कर्म पर ध्यान दें, जब वो कुछ अच्छा बन जाएगा तभी कुछ कर सकता है। नशा करने से वो अपना ही लाइफ बर्बाद नहीं कर रहा है, पूरे परिवार का लाइफ बर्बाद कर रहा है और उसके देख करके और भी युवा बर्बाद हो रहा है। ये नहीं चाहिए, नशा कोई अच्छी चीज नहीं होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा कि हमारे बड़े भाई राजकिशोर जी ने अपना शब्द रखा और ये अपना शब्द इसलिए रखा, इनकी सोच पॉजिटिविटी हमेशा फैलाती रहती है। आप ढोल नगाड़े की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, कल के लिए ढोल नगाड़ा का स्वागत है, माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की शुभकामना है और हमारे घर आए और हमारे बड़े भाई को आशीर्वाद दे, हमें आशीर्वाद दे, पूरे परिवार संसार को आशीर्वाद दे। इसी तरह बने रहे, जुड़े रहे। मैं पाठक जी विष्णु अपने सहयोग कैमरामैन गोलू और अरमान के साथ अभी आरा महादेवा रोड में, मिस्टर राज मोबाइल और गैस के कारोबार करते हैं, उनके यहाँ मौजूद है। जय हिंद, जय भारत।